मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 12 मार्च 2024 मंगलवार का दिन और हिंदू तिथि फाल्गुन माह की द्वितीया है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर, शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी CAA का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके साथ ही यह कानून देश भर में लागू हो गया है। अच्छा आपको बता दूं, CAA को हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, CAA के अमल में आ जाने के बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले हिंदुओं, जैनों, ईसाइयों, सिखों, बौद्धिस्ट और पारसियों को यहां 5 साल तक निवास करने के बाद भारतीय नागरिकता दी जा सकती है। फिर आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। दिल्ली में पीएम मोदी सशक्त नारी विकसित भारत प्रोग्राम में शामिल हुए। उन्होंने 1000 दीदियों को ड्रोन सौंपे। यह ड्रोन फसलों की निगरानी, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर का छिड़काव और बीज बुआई जैसे कामों में मददगार होंगे। पीएम इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में नमो ड्रोन दीदियों की ओर से कृषि ड्रोन प्रदर्शन देखेंगे। पीएम मोदी ने कहा, जब भी मैंने महिला सशक्तिकरण की बात की तब कांग्रेस जैसी पार्टियों ने मेरा मजाक उड़ाया और अपमान किया। मोदी की स्कीम जमीनी अनुभवों के नतीजों पर आधारित है। पीएम मोदी ने कहा, आज हमारी सरकार 10,000 करोड़ रुपए की राशि इन दीदियों के खातों में जमा कराई है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, राजस्थान से बहुत बड़ी खबर है। चूरू से बीजेपी सांसद राहुल कसवा ने सोमवार को कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने निवास पर दोपहर 1:30 बजे दुपट्टा पहनाकर राहुल कसवा को कांग्रेस की सदस्यता दिलवाई। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद थे। राहुल कसवा ने कहा कि बीजेपी में रहते हुए यह महसूस किया कि सामंतवादी सोच आगे बढ़ती जा रही है, किसान की आवाज को अनसुना किया जा रहा था, इसीलिए मैंने फैसला लिया और कांग्रेस ज्वाइन की है। आपको बता दूं, कांग्रेस चूरू से राहुल कसवा को लोकसभा का टिकट देने की तैयारी में है और कांग्रेस हाईकमान के स्तर पर इसको लेकर चर्चा भी हो चुकी है। राहुल कसवा ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल आपको बता दूं, इस बार लोकसभा का टिकट इनको नहीं दिया था, जिसकी वजह से भी कसवा काफी दिनों से नाराज थे। फिर आगे बढ़ जाते हैं, राजस्थान से एक और बड़ी खबर। प्रदेश के नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारी की भर्ती प्रक्रिया के विरोध में सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। दरअसल जयपुर नगर निगम हेरिटेज मुख्यालय पर संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने बैठक बुलाई थी। संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने बताया कि राज्य सरकार 24,797 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती लॉटरी से साल 2018 की तर्ज पर कर रही है, इसका हम विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि बैठक में हमने आगामी आंदोलन की रूपरेखा पर चर्चा की है। बैठक में सभी ने एकमत होकर सामूहिक अवकाश पर रहने का फैसला किया है। हमारी प्रमुख मांग है कि सफाई कर्मचारी भर्ती मस्ट्रोल से की जाए। जिन अभ्यर्थियों ने नगर निगम में काम किया है उनको सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 में प्राथमिकता दी जाए। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी खबर। कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी रिवॉल्वर रानी के नाम से मशहूर अनुराधा चौधरी के साथ आज शादी के बंधन में बंधने जा रही है। दूल्हे राजा को शादी के लिए कोर्ट से 6 घंटे की कस्टडी पेरोल दी गई है। इस दौरान काला जठेड़ी तिहाड़ जेल से पुलिस सुरक्षा घेरे के बीच बाहर आएगा और शादी के मंडप में पहुंचेगा। शादी की रस्म पूरी होने के बाद ठीक शाम 4 बजे उसे वापस तिहाड़ जेल पहुंचना है। गैंगस्टर काला जठेड़ी अपनी प्रेमिका अनुराधा चौधरी के साथ 12 मार्च को शादी के बंधन में बंधेंगे। दिल्ली के द्वारका के एक बैंक्वेट हॉल में शादी होनी है और 13 मार्च को गृह प्रवेश की रस्म के लिए भी गैंगस्टर दुल्हा दुल्हन को गांव ले जाने की सारी तैयारियां शुरू हो गई है। आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उससे पहले मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट है। मौसम विभाग ने बताया है कि 13 मार्च से राज्य में एक बार फिर मौसम बदलेगा। दिन में बादल छाए रह सकते हैं और मौसम में यह बदलाव बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, चूरू, गंगानगर, सीकर, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और फलोदी में देखने को मिलेगा। इस दौरान कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है, इससे दिन के तापमान में थोड़ी गिरावट होगी। हालांकि जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, यह सिस्टम अब कमजोर हो गया है। यह विक्षोभ ज्यादा बारिश तो नहीं दे पाएगा, लेकिन फिर भी यह पश्चिमी विक्षोभ 13 मार्च को अपना असर जरूर दिखाएगा और इसका सबसे अधिक असर जोधपुर और बीकानेर संभाग में रहेगा। इस दौरान तेज हवाएं चल सकती है और कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी भी हो सकती है। आगे बढ़ जाते हैं, राजस्थान से एक और बड़ी खबर है। उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने आगामी गर्मियों में प्रदेशवासियों के लिए पेयजल व्यवस्था को पुख्ता बनाए रखने के लिए लगभग
20 करोड़ रुपए की वित्तीय सहमतियां प्रदान की गई है। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में प्रदेश वासियों को पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल सोमवार को वापस ले ली है। दरअसल पेट्रोल डीजल संचालकों ने पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए वेट में कटौती की मांग करते हुए हड़ताल बुलाई थी, जो सरकार के साथ बातचीत के बाद वापस ले ली गई है। यानी कि सरकार पेट्रोल पंप संचालकों के सामने बिल्कुल नहीं झुकी और न ही पेट्रोल डीजल पर वेट कम किया है और न ही पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ है। पेट्रोल पंप संचालकों को सरकार ने केवल आश्वासन दिया है और कहा है कि जल्द ही आपकी मांगों पर सरकार सकारात्मक कदम उठाएगी। इस बातचीत के बाद हड़ताल वापस ले ली गई है। जब पेट्रोल डीजल के भाव को लेकर बात हो गई है, लेकिन सोने और चांदी के भाव देखिए कहां पहुंच गए हैं। सोना सोमवार को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोना 680 रुपए महंगा होकर 63,635 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। इससे पहले 7 मार्च को सोना पहली बार 65,000 के पार निकला था, लेकिन अब सोना 63,635 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। लेकिन आपको बता दूं, यह 24 कैरेट शुद्ध सोने के भाव है। जो गहने बनाए जाते हैं वह इससे कमजोर सोना होता है। वहीं चांदी 274 रुपए महंगी होकर 72,539 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई। आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर। कांग्रेस में लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार तय करने का काउंट डाउन शुरू हो गया है। दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सोमवार रात राजस्थान के टिकटों की पहली खेप पर फैसला हो गया है। पहली लिस्ट में करीब 10 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं। इस बैठक के बाद अब कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची कभी भी जारी कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक मंगलवार यानी कि आज राजस्थान कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा के आसार है। जानकार सूत्रों की माने तो कांग्रेस बीकानेर से गोविंद राम मेघवाल को उम्मीदवार घोषित कर सकती है, जालोर सिरोही से वैभव गहलोत को और झुंझुनू से ब्रजेंद्र ओला को। बाकी आप संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन उम्मीदवारों को कांग्रेस टिकट दे सकती है। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए, पीएम मोदी गुजरात के साबरमती जाएंगे। यहां 1200 करोड़ रुपए की साबरमती आश्रम मेमोरियल परियोजना के मास्टर प्लान का अनावरण करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी राजस्थान के पोखरण में वार गेम भारत शक्ति में शामिल होंगे। खैर आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर। 28 मार्च से शुरू होने वाली 8वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारियां शुरू हो गई है। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाएं एग्जाम की तैयारियों में लग चुके हैं। 8वीं बोर्ड परीक्षा के लिए रजिस्टर्ड 12.77 लाख विद्यार्थियों के लिए 9,601 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आपको बता दूं, 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं 28 मार्च से शुरू होगी। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल नए है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।